बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। इसकी वजह तो शायद वो ख़ुद भी नहीं जानते, शायद सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, और इसकी बेस वो कर रहे हैं, उनका पूरा आर्गुमेंट बेस कर रहा है 1.5 साल पुरानी यानी मार्च 2023 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट के ऊपर। अब वो जजमेंट क्या है उसको भी मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ उर्दू में, आसान उर्दू में, कि उसमें क्या केस था और क्या डिसीजन हुआ है, और उसके बाद आपका ये जितनी भी हाइप है और जितनी भी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कि सब सरकारी मुलाजमीन क्लेम करें, अब सबको मिलेगी, और जिन लोगों को नहीं मिली वो भी जाकर अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें और उनको ग्रुप इंश्योरेंस में से उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, ये सारी स्टोरी आपको अभी समझ आ जाएगी। तो उसके लिए ये जजमेंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, 5-6 पेजेस की जजमेंट है, तो उसको भी आप जाकर एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। इसमें असल केस ये था कि एक स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान और अमीर अली नामी एसएसटी टीचर थे, उनकी फैमिली के दरमियान ये केस था। बेसिकली अमीर अली ने ग्रुप इंश्योरेंस करवा रखी थी, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन करवाते हैं। आपको पता है ग्रुप इंश्योरेंस होती है कि एम्प्लॉयर किसी इंश्योरेंस एजेंसी के साथ, जो कि इस केस में स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान है और एम्प्लॉयर इस केस में फेडरल गवर्नमेंट है, और इसी तरह से जो भी सूबाई हुकूमत होती है तो वो एम्प्लॉयर होती है, और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी जो कि अमूमन स्टेट लाइफ के साथ ही उनका मुआहदा होता है, तो तमाम एम्प्लॉयज़ को इंश्योर्ड कर लेते हैं। उनकी सैलरी में से एक प्रीमियम की अमाउंट डिडक्शन होती रहती है हर मंथ, और उनकी डेथ की सूरत में उनको वो प्रीमियम की अमाउंट, वो इंश्योर्ड अमाउंट उनको मिल जाती है। अब इस केस में ये हुआ कि अमीर अली साहब जो एसएसटी थे, उन्होंने 2007 के आखिर में जाकर अर्ली रिटायरमेंट ले ली मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर 58 साल की उम्र में। उनकी डेथ हो गई 2008 के अंदर, तो उनकी बेगम रज़िया अमीर ने ये क्लेम किया, अमाउंट जो था 6 लाख के करीब अमाउंट बनता था उनका, वो उन्होंने क्लेम किया, जो कि 2009 में उनके डिपार्टमेंट ने, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट स्टेट लाइफ ने उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको मुस्तरद कर दिया, ये कहकर के 1 जुलाई 2007 से नई पॉलिसी आ गई है, नई अमेंडमेंट आ गई है, तो अब जो अर्ली रिटायरीज हैं वो इस इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, उनको ये इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं मिल सकती। वो रज़िया बीबी जो हैं उन ट्रिब्यूनल में चली गई, इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल के ऑर्डिनेंस जो है 2000 उसकी सेक्शन 122 के तहत आप कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल में आपने चैलेंज करना होता है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस आपका इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल होता है, तो वहाँ उन्होंने उसको चैलेंज किया, लेकिन इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल ने भी फैसला इदारे के हक में दिया, स्टेट लाइफ के हक में दे दिया। मगर इसी दौरान अभी ट्रायल चल रहा था तो 2012 में दोबारा से अमेंडमेंट आ गई कि वो जो 1 जुलाई 2007 के बाद वाले लोग हैं वो भी इसमें आएंगे, और अगर उसमें कोई अर्ली रिटायर हो चुके हैं तो उनको भी ये इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा। तो इसी वजह से स्टेट लाइफ ने, हालांकि उनका अभी केस चल रहा था इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल में, लेकिन उन्होंने उसका क्लेम ओके कर दिया और चार चेक्स की सूरत में उसको 6 लाख की रकम अदा कर दी। लेकिन अदा रकम करने के बावजूद फैसला जो था ट्रिब्यूनल का वो स्टेट लाइफ के हक में आ गया। इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल ने कहा जी, क्योंकि पॉलिसी आ गई थी 1 जुलाई को और जुलाई के आखिर में ही ये रिटायर हुए थे, तो इसीलिए इनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई होगी और इनको ये इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, नहीं दिया जा सकता। अब डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट लाइफ के लिए ये इशू था कि वो क्लेम तो ऑलरेडी दे चुके थे तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना था, फिर वो इसका एपलेट कोर्ट में चले गए। एपलेट कोर्ट इस केस में था हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में वो गए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो रज़िया बीबी जो रज़िया अमीर थी, जो एसएसटी टीचर अमीर अली की वाइफ थी, उन्होंने हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दे दिया। बेसिकली वो उनके दो ग्राउंड्स थे इस केस में, स्टेट लाइफ के नंबर 1 के 2007 की पॉलिसी जो आ गई, और नंबर 2 के इंश्योरेंस कवर तो उसको मिलना चाहिए था जो मुलाजिम था, तो उसकी फैमिली से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फैमिली वो क्लेम ही नहीं कर सकती। तो हाई कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया उसकी मुलाजिम की फैमिली की फेवर में।
उसके बाद डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर उन्होंने सेकंड अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ये जिस जजमेंट पे बेस किया जा रहा है इन र्यूमर्स को फैलाने के लिए वो जजमेंट पास कर दिया। अब उस जजमेंट में भी उन्होंने ये दो पॉइंट डिस्कस किए जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं और इनकी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और ट्रिब्यूनल का फैसला और स्टेट लाइफ का फैसला जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। तो इस तरह से वो जो रकम उनको मिली थी रज़िया अमीर को वो वैलिड हो गई, हाई कोर्ट ने भी उसको वैलिडेट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट कर दिया। अब ये मैटर था दो लोगों के बीच में, स्टेट लाइफ के बीच में और वो एक जो अमीर अली साहब हैं उनके दरमियान था। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें यही वजाहत की कि क्योंकि अमीर अली जो है पहले से जॉब कर रहा था और उस वक्त उसने आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन इसकी साइन कर ली थी एग्रीमेंट की, उसके अलावा उन्होंने जो है आपको प्रीमियम भी पे करते रहे हैं, तो आप अचानक उसमें पॉलिसी में तब्दीली करके उनके ऊपर इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ ये अप्लाई हो सकती थी लेकिन सिर्फ जो 1 जुलाई के बाद में जो एम्प्लॉयज़ भर्ती हो रहे हैं या आपसे ग्रुप इंश्योरेंस ले रहे हैं उनकी हद तक तो आप इसको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो पहले से लोग करते आ रहे हैं उनके ऊपर आप कैसे इसको अचानक से तब्दील कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी अर्ली रिटायरीज़ अब इसमें कवर हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यही कि फैमिली के लिए नहीं है, तो ये भी बड़ा इलॉजिकल सा स्टूपिड सा लॉजिक था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इंश्योरेंस का तो मकसद ही फैमिली सपोर्ट होता है, ये तो होती ही फैमिली के लिए है, तो इस किस्म का आर्गुमेंट आप किस तरह से इसके ऊपर बेस कर सकते हैं। इसीलिए वो उनके हक में हो गया मुलाजिम के। अब ये इससे मुझे बताएं कि बाकी तमाम मुलाजमीन का इस केस से किस तरह से रिलेशन बनता है, क्या ताल्लुक बनता है। हाँ उस दौरान अगर कुछ ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जिनका सिमिलर मैटर है जो कि अर्ली रिटायर हो गए हैं उस ड्यूरेशन में और उनको ये ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं मिली, तो वो लोग ज़रूर क्लेम कर सकते हैं लेकिन उनकी तादाद यकीनन बहुत कम होगी। लेकिन इसको इस तरह से हाइप दी जा रही है और इस तरह से कहा जा रहा है कि जाएं जी सब मुलाजमीन जिनको नहीं मिली ये अमाउंट वो जाकर एप्लीकेशन फ़ाइल करें और जाकर अपनी अमाउंट क्लेम करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह से किसी को ये क्लेम नहीं मिलेगा। ये क्लेम जजमेंट सिर्फ उन लोगों की हद तक इफ़ेक्टिव है जो 1 जुलाई से लेकर 2012 तक के दरमियान में अर्ली रिटायर हो गए थे, यानी 60 साल की उम्र पूरी किए बगैर वो लोग रिटायर हो गए थे और उनको ये कवर नहीं मिला, या उनकी डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो गई थी रिटायरमेंट के फौरन बाद, तो वो लोग ज़रूर इसके तहत जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं बड़े अहम मामलात के ऊपर, वो नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।